जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचिंग के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि टीचर्स एज अ टीचर जो है आप किस तरह से डील करेंगे स्टूडेंट से, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में वही होता है स्टूडेंट और टीचर से रिलेटेड। अभी हम देखेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे दो तीन चीजें जो है क्वेश्चंस में दे रखी होती है, कई बार हमें पता नहीं चलता है कि शिक्षक क्या होता है, ठीक है, अधिगम क्या है, कुछ ऐसी टर्म्स दे रखी होती है, तो मैं अभी आपको वो बताऊंगी। आज ही जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के जो आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे उसको पूरा पूरा। वैसे उसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि आपने खुद को टीचर एज्यूम करना है वहां पे। उसमें मैं आपको चाहे जितना मर्जी करवा लूं, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट वही होगा जो आप खुद को खुद के हिसाब से आप अपने अपनी सोच के अनुसार वहां पे टिक करेंगे, ठीक है। तो वहां पे जब भी आप टिक करो, सबसे पहली बात उसके लिए आपको जो है हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपकी सोच जो होनी चाहिए उस टाइम बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में थिंक करना है आपने। कभी भी आपको अगर क्वेश्चंस आया हो कि अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट जो है वो बहुत डिस्टर्ब करता है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है आपके समझाने के बाद भी, तो आप जो है उसके लिए खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप अपनी हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव वे में आपने उनको बताना है, क्योंकि आप एज अ टीचर हैं, आपके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको स्कूल से निकाल दें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड पे रहेगी। वो तो आप भी पढ़ लो अपना, मेरे को पढ़ने दो थोड़ा सा। टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास में कोशिश करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम वैसे ही कम है हमारे पास। अब टीचिंग जो है वो टीचिंग क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग समझना जरूरी है आपको कि टीचिंग जो है वो क्या है। साथ में आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसके जो है प्रैक्टिस सेट ही मिलेंगे। अब जो है आपको इसके मैं प्रैक्टिस सेट ही जो है आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। खैर आपको ऑफलाइन ही मिलेंगे, अभी ये प्रैक्टिस सेट जो है पीडीएफ में मिलेंगे, लेकिन जो बाकी हैं उनके तो खैर ऐप के थ्रू होगी। अब सारी कोचिंग उनकी जो है एक एप्लीकेशन के थ्रू रहेगी, तो उनके तो उसी टाइम रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये आपको अपने साथ ईमानदार रहना है। किसका माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है क्या? आपको पता नहीं है कि माइक ऑफ रखने हैं, कितनी बार बोलना है आपको एक ही बात? जब भी क्लास में आते हैं पहले माइक ऑफ करने हैं, बाकी डिस्टर्ब होते हैं सभी, ठीक है। बार बार एक ही बात बोले वो अच्छी नहीं लगती है। बच्चे नहीं हो आप, टीचर बनने जा रहे हो कल को, अगर आप ही ऐसी हरकतें करोगे तो फिर स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे? चलिए पहले देखते हैं कि टीचिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलना है आप सभी ने। टीचिंग जो है, वैसे तो चलो मैं इसके आपको जो है मेरे पास जो भी कॉपी में खुद बनाए हैं मैंने वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन फिर भी अपनी समझ के लिए जो है ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के ही नोट्स बनाएं। टीचिंग, टीचिंग में क्या होती है, सारी एक्टिविटीज जो एक एजुकेशन में प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। तो आप लिख सकते हैं टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर, कि एक एजुकेशन से एक शिक्षक शिक्षा में जो है जितनी भी तरह की जो गतिविधियां की जाती हैं या प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रदान की जाती हैं, वो सब इसमें मिलाकर के जो है जो दूसरों को प्रदान की जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी एक टीचिंग कहलाती है। जस्ट टीचिंग का वर्ड मीनिंग समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है। अभी हमने बाकी कुछ नहीं देखा, सिर्फ टीचिंग देख रहे हैं कि टीचिंग होती क्या है। इसके बाद इसमें दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, टू एलिमेंट इसमें इंपॉर्टेंट आएंगे आपके। फर्स्ट है आपका टीचर, टीचिंग के लिए क्या जरूरी है, टीचर का होना जरूरी है। दूसरा इसमें लर्नर का होना जरूरी है। हिंदी में अगर कहूं तो टीचर को कहते हैं शिक्षक, हिंदी वाले थोड़ा ध्यान रख ले इस बात का, ठीक है, वहां पे अध्यापक नहीं होगा, शिक्षक होगा। और लर्नर को कहते हैं या तो शिक्षार्थी कहते हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं वैसे, ठीक है। अब टीचर जो है टीचिंग में कैसे होना चाहिए, किस तरह का टीचर होना चाहिए, अब खुद ही सोचो कि आपको कैसे लगता है कि टीचर जो है वो कैसे होने चाहिए। गुड पर्सन होना चाहिए, ठीक है,
अच्छा व्यवहार का होना चाहिए ना, डील अच्छा सा करें। सेकंड उसकी मॉरल वैल्यूज का भी अच्छा होना चाहिए वो, ठीक है। एक टीचर को हम क्या मानते हैं, बचपन से जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो बच्चे के लिए क्या हो जाता है, आदर्श हो जाता है। उसको क्या मान लेते हैं, हम अपना आदर्श मान लेते हैं। और देखना छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कि बच्चे क्या कहते हैं घर आकर के, कि हम भी ना टीचर ही बनेंगे। आप भी, आपने भी शायद, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन से ये सोचा था कि हम टीचर बनेंगे, बाद में आपके इंटरेस्ट चेंज हुए नो डाउट, लेकिन फिर से आप अब बीएड करने जा रहे हैं, दैट मींस आप जो है क्लियर हैं कि आप टीचर ही बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, एक आदर्श, आदर्श होता है वो बच्चों के लिए। तो अगर बच्चों के लिए कोई आदर्श है तो वो किस तरह का होना चाहिए, या तो वो अच्छे आदतों वाला हो, ठीक है, उसकी जो हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है उसको क्या कर रहा है, लगातार उसको जो है उसकी हैबिट्स को देख रहा है, मतलब उसके लिए जो है वो सीखने का जरिया है बच्चे के लिए टीचर एक। क्लियर है यहाँ तक, टीचर की कैसा होना चाहिए, क्लियर है या नहीं, जल्दी से यस और नो करना है। Okay. इसके बाद है लर्नर। लर्नर कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी, यानी कि जिसको आप स्टूडेंट भी कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, स्टूडेंट एक ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रियोसिटी हो, ठीक है, क्या हो, क्रियोसिटी हो, यानी कि जानने की चीज को जिज्ञासा हो, ठीक है, उसको जो है चीजों को लेकर के जानने की जिज्ञासा हो, कि वो जानना चाहता हो, अच्छा ऐसा हो रहा है, अगर टीचर्स ने ऐसा बताया है तो वो क्यों है। तो इस तरह के जो है दो पार्ट्स जो है टीचिंग के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, दोनों जो है एक्टिव और पैसिव की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कभी टीचर एक्टिव रहता है और स्टूडेंट पैसिव रहता है, और कई बार जो है स्टूडेंट भी एक्टिव रहता है। एक्टिव पैसिव का यहाँ पे मतलब है कि जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर्स आपको पढ़ा रहा है तो वो एक्टिव है उस टाइम, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स उनसे पूछ रहे हैं, टीचर से वापस रिस्पांस जो आ रहा है, तो वो दोनों ही क्या है, एक्टिव है, ठीक है। अगर स्टूडेंट जस्ट सुन रहे हैं तो वो पैसिव है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, हमारा नेचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग है उसकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरह की उसकी प्रकृति रहती है। मैंने खुद ही ये पहले वाले जो पुराने बैच थे उनको नहीं कराया था, शायद करवाया भी था लेकिन उस टाइम बच्चों ने कम क्लासेस लगाई थी, मैं खुद दिल्ली में थी तो उस टाइम जो बच्चों ने कम क्लासेस लगाई थी, और मैंने सोच के रखा था कि जब एग्जाम आने वाला होगा बिल्कुल पास तभी करवाऊंगी, क्योंकि अभी जो आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। आपने 4 महीने पहले क्या पढ़ा है मुझे नहीं लगता कि वो भी आ जाता होगा आपको, है ना, ऐसे ही है ना। चलिए तो इसकी देख लेती है कि किस तरह की इसकी क्या क्या विशेषताएं रहती है एक टीचिंग की। तो टीचिंग में जो है जो टीचर रहता है वो उसको क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या फिर उसके लिए जो है क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है टीचिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड गाइडेंस। अच्छा मैं नोट्स में अभी बता दूं आपको, जैसे अभी मैं लिखवा रही हूँ ना, साथ में लिख लो, क्योंकि मेरे पास ये नोट्स आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, मेरे पास हिंदी में नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको पीडीएफ बना के भी देती हूँ अपनी कॉपी की, या पेजेस भी देती हूँ अपने कॉपी के, तो इंग्लिश में ये हिंदी में नहीं है मेरे पास, तो इसलिए साथ साथ में जब बोल रही हूँ तो आप लिखते रहो, ठीक है। कैसे होने चाहिए, क्या है टीचिंग की फर्स्ट फीचर्स जो है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो विशेषता है, कैसी होनी चाहिए टीचिंग, प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, मतलब जो हमें जो है गाइड करती हो साथ साथ में, और साथ साथ में हमें ट्रेनिंग देती हो, प्रशिक्षण देती हो। ट्रेनिंग को कहते हैं प्रशिक्षण, और गाइड को तो पता ही आपको गाइड करती हो, है ना। तो ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करती हो टीचिंग हमें, पढ़ने का तभी फायदा ना जब हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा हो,
है ना। इसके बाद है सेकंड, टीचिंग और कैसी होनी चाहिए जिसमें इंटरेक्शन हो, इंटरेक्ट करते हो आप, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में। अब टीचिंग किन किन के बीच में है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, तो इंटरेक्शन भी किसके बीच में होगी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, राइट। तो कैसी होनी चाहिए टीचिंग आपकी, जिसमें इंटरेक्शन हो टीचिंग टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में आपस में, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके, टीचर भी जान सके कि स्टूडेंट क्या चाहता है, किस तरह की पढ़ाई चाहता है, और स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो किस तरह से पढ़ा रहा है, वो टीचर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और किस तरह से जो है हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीजें जो है तभी पता चलेगी जब स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो है इंटरेक्शन होगी। तभी जब भी क्लास में नया टीचर आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ताकि पता चल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो है फीचर्स इसकी, तो इसकी विशेषता तीसरी क्या रहेगी, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, एन आर्ट टू गिविंग, हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पर मुझे लगता है आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक एक जो है वर्ड का मीनिंग जो है साथ साथ में एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आए तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि इजी वे में समझाने की। अच्छा चलिए तीसरी क्या है, एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे, कि टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो नॉलेज है, जो ज्ञान है आपका, ठीक है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है आपका, वो कैसे दे, वो उसको देने की क्या होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी टीचर में जो है जब वो टीचिंग करता है तो वो जो नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है स्टूडेंट को, तो वो एक इतने इफेक्टिव वे में प्रोवाइड करवाए कि उनको जो है सामने वाले को समझ आ जाए, ठीक है। तो मतलब टीचिंग भी क्या है, एक कला ही टाइप है, यानी कि आर्ट है आपकी, स्किल्स जो है जिसको यूज करना है आपने, वो जो है एक आर्ट टाइप है, ठीक है, ताकि बच्चों को आप जिस टॉपिक को समझा रहे हैं वो और कितनी अच्छी तरह से जो है इफेक्टिव बन सके, वो किस तरह से उसमें जो है ज्यादा प्रभाव उसका पड़ सके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तीन पॉइंट आपको, तीन पॉइंट क्लियर हुए, यस और नो? ओके चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है टीचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचिंग इज अ साइंस टू एडुकेट फैक्ट एंड फैक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। Different topic of different subjects. अभी मेरे पास इसकी पीपीटी नहीं है, वरना मैं आपको पीपीटी से समझाती इसको, क्योंकि मुझे खुद लिखना पड़ रहा है नहीं तो, ठीक है। किस तरह की होनी चाहिए टीचिंग, कि एक साइंटिफिक भी होनी चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक होनी चाहिए जिसमें हमें जो है फैक्ट्स के बारे में पता चल सके, किसी भी टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो कैसे होना चाहिए, उसमें हमें फैक्ट्स यानी कि तत्वों के बारे में पता चल सके, और कॉजेज यानी कि उसके कारणों के बारे में जो हमें पता चल सके। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं हम दो चीजों पे जो है इन पे फोकस करेंगे, फैक्ट्स और कॉजेज। तो इस तरह की टीचिंग करवाए टीचर कि बच्चों को जो है फैक्ट्स पे फोकस करवाए, ना कि रटने पे, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता था कि हमें रटने को दे दिया जाता था, ये कर लेना वो कर लेना, ये याद करके आ जाना, ठीक है, लेसन पढ़ा और याद करके आ जाना, नहीं। लेकिन टीचिंग जो है, अगर आपको अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो कैसी होनी चाहिए, उसमें हमें फैक्ट्स बताने होंगे बच्चों को, ठीक है, और साथ में उसके रीजंस देने होंगे, ठीक है, कि इस तरह से जो है ये चीजें हैं। इसके बाद है फिफ्थ आपका, और टीचिंग कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, टीचिंग इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस, लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कैसी होनी चाहिए, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज टीचिंग हुई कल बंद हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही पढ़ो, थोड़ा ही करवाया जाए आपको, लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो उसका होना चाहिए। इसके बाद है सिक्स्थ आपका, जब भी आप टीचर बनो
ठीक है, जब भी आप टीचर हैं या एज अ टीचर जो है कैसी होनी चाहिए आपकी, इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए टीचिंग कि बच्चे में जो है, बच्चे में भी और खुद में भी टीचर को क्या होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है, जिसमें फुल कॉन्फिडेंस हो। तो टीचर जो है जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने जाए तो कैसा होना चाहिए, उसमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए उन चीजों को लेकर के। यहां तक 6 पॉइंट क्लियर हुए? 6 पॉइंट क्लियर हुए? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7th, स्टूडेंट को एनकरेज करने वाली होनी चाहिए। एनकरेज करती हो स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हो, इस तरह की जो है टीचिंग रहनी चाहिए। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल के साथ साथ जो है औपचारिकता के साथ साथ जो है अनौपचारिक भी होनी चाहिए। तो ये तो आप समझ ही गए, ठीक है। इसके बाद है कुछ टूल्स का यूज करना चाहिए, एक ऐसे टूल्स के थ्रू जो है हमें, जिसमें हमें टीचिंग के लिए हेल्प मिल सके और जो हम स्टूडेंट्स को खुद के लिए और साथ में एनवायरमेंट और सोसाइटी के लिए जो है, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी के साथ जो है चीजों को सीखने में मदद कर सके, ठीक है। कुछ ऐसे टूल्स का यूज करना चाहिए टीचिंग में जो एनवायरमेंट और सोसाइटी के साथ जो है स्टूडेंट्स को मैचअप करवा सके या फिर उनको जो है वहां से सीखने को मिल सके और वो उसके साथ जो उनकी अच्छी सोशलाइजेशन हो। तो ये सब सब चीजें क्या थी, टीचिंग की आपकी विशेषताएं थी। क्लियर है टीचिंग की विशेषताएं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कि उद्देश्य जो है टीचिंग के वो क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य जो है वो रहने चाहिए। तो फर्स्ट है डिजायर चेंज इन पीपल्स, डिजायर चेंजेस इन पीपल्स, पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, छात्रों को ही जो है हम पीपल्स कहते हैं, स्टूडेंट्स को ही, ठीक है। एक ऐसे ऑब्जेक्ट क्या है टीचिंग का, कि ऐसी टीचिंग होनी चाहिए जिसमें बच्चों के जो डिजायर है वो चेंज हो सके, ठीक है, कि वो जो उनको अगर कुछ सीखने को मिला ही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ सीखने का कुछ सोचा ही नहीं, करने का कुछ सोचा ही नहीं, तो उस टीचिंग का क्या फायदा है। सेकंड है उनके बिहेव को शेप मिलनी चाहिए, ठीक है, बिहेव को शेप मिलनी चाहिए, उनका जो व्यवहार है उसमें जो है बदलाव आना जरूरी है। फिर है वो नॉलेज को जो है एक्वायर कर सके, ठीक है, नॉलेज को क्या है एक्वायर कर सके, acquire knowledge आना था यहाँ पे, मतलब चीजों को सीख सके खुद भी, इस तरह की शिक्षा टीचिंग होनी चाहिए कि बाद में जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। इसके बाद जितनी भी उसकी स्किल्स हैं, जिसके भी उसके कौशल्स हैं, वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। टीचिंग का तभी फायदा है जब वो उसके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं वो उनकी इम्प्रूवमेंट हो, वो अपनी स्किल्स का यूज कर सके, ठीक है, और साथ में जो है बिलीफ सिस्टम जो है उसका वो फॉर्म हो। तो फॉर्मेशन ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, तो उसका जो विश्वास का तरीका है वो भी जो है क्या हो, बन सके। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पे ही जो है वो विश्वास करता रहे, नहीं, बल्कि वो जो है खुद भी उन चीजों को जो है एनालाइज कर सके, सीख सके। यहां तक क्लियर है सभी को? थर्ड पॉइंट मैंने कहा एक्वायर नॉलेज, कि नॉलेज को जो है वो एक्वायर कर सके। नॉलेज को एक्वायर करने का मतलब होता है जैसे आपने, एक तो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, और जैसे इंग्लिश है आपकी नेटिव लैंग्वेज, जैसे आपकी है पहाड़ी मान लो, ठीक है, तो आप क्या है वो ऑलरेडी आप में बिल्ड है, मतलब आप उसको ऑटोमेटिक जो है सीख जाएंगे। लेकिन
जो आप जैसे इंग्लिश होगी आपकी, आपकी चाइनीज होगी, या फिर आपकी जो है आपने कोई और भाषा सीखी, ठीक है, वो आपने सीखी, सीखना एक्वायर का मतलब होता है सीखना, जबकि वो आपको ऑटोमेटिक नहीं आई बल्कि आपने कहीं और से सीखी, ठीक है, तो उस चीज को आपने क्या किया, एक्वायर किया। हाँ क्लियर है आप शिल्पा? ओके चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आपको क्लियर हो चुके हैं तो अब हम टीचिंग एड्स और हेल्प्स देखते हैं। देखिए मैं अभी आपको जो है ये सब चीजें अभी करवा रही हूँ, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आने वाली है जब आप बीएड करेंगे, ठीक है, तब भी आपको जो है ये सब चीजें काम आने वाली है। वैसे तो चलो आप बीएड जब करेंगे तो आपको तब भी करवाई जाएंगी, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा तो जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस आए होंगे वहां पे आपको, लेकिन फिर भी जो है आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं होता है कि कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे बुक क्या डाल दे। तो बाकी तो आपने क्वेश्चंस पेपर देखे ही होंगे, मुझे लगता है मैंने पुराने बैच में 3 क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे और आप लोगों ने वापस एक भी रिटर्न नहीं दिया पेपर। मैंने जब बोला आपको कि मुझे पेपर सेंड करो, मैंने 3 क्वेश्चन पेपर दिए थे उस बैच में, 2015, 2016, 2017 कुछ ऐसे दिए थे, जो फर्स्ट बैच था हमारा टीचिंग एड्स, एड्स और हेल्प, इसको हेल्प भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होंगे जिसके थ्रू जो है बच्चों को आप इजिली समझा सको। इसका मतलब ही यहाँ पे यही है कि आप कुछ ऐसा इस्तेमाल करो, कुछ ऐसी चीजें दिखाओ बच्चों को कि बच्चों को ना एकदम से समझ आ जाए वो चीज। एक मिनट रुकेंगे, मैं चार्जर लगा लेती हूँ, ठीक है, वेट करना एक मिनट का सभी। ओके तो इसके बाद जो है कि जब भी आप स्कूल में पढ़ाते हैं एज अ टीचर तो आप कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चों को जो है वो इजिली समझ आ जाता है। जैसे इसमें आपके एग्जांपल्स आ सकते हैं, आप बच्चों को चार्ट दिखाते हैं, ठीक है, चार्ट्स में आप क्या बना सकते हैं, जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर मान लो आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप चार्ट में जो है डायग्राम्स दिखाते हैं उनको, ठीक है, ट्रायंगल वगैरह, सर्कल वगैरह, ये सब चीजें दिखाते हैं आप उनको, टेबल्स वगैरह। इसके अलावा बाकी भी जो है जैसे एसएसटी वाले हैं या साइंस वाले हैं, वो अलग अलग चार्ट में जो है बहुत सी चीजें बनाते हैं, बच्चों को जो है इजिली समझ आ जाता है उससे, ठीक है। सेकेंड आपकी हो सकता है फ्लैश कार्ड बनाते हैं, फ्लैश कार्ड भी होते हैं, फ्लैश कार्ड एक मतलब वो भी चार्ट टाइप ही होते हैं, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स होता है ना आपका, फ्लैश कार्ड में क्या आता है, ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं जैसे आपके, तो आप समझ चुके होंगे ग्रीटिंग कार्ड्स के टाइप के एक्सेट्रा। फिर है आपका फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट क्या होते हैं आपके, जैसे टीवी हो गया आपका, ठीक है, एक्सेट्रा। फोर्थ है आपका मैप्स दिखाते हैं आप बच्चों को, मैप्स के थ्रू पढ़ाते हैं। फिर है आप न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को, न्यूज़पेपर दिखाते हैं, सर्वे कर सकते हैं इसके लिए, ग्राफ्स दिखा सकते हैं, ये सब क्या है, टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, मतलब आपकी टीचिंग को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए है, और भी उसको प्रभावशील बनाने के लिए है। ऑडियो विजुअल हो सकती है, यस ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल एड्स,
या तो आप उनको जैसे ऑडियो विजुअल एड में क्या आ जाता है, जैसे आपका प्रोजेक्टर आज के टाइम में स्मार्ट क्लासरूम है, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, एक तो ऑडियो भी आ रही होती है साथ में विजुअल भी कर रहे होते हैं बच्चे, यानी कि उस चीज को देख भी रहे होते हैं, ठीक है, जो आप बताने जा रहे हैं, तो आप वैसे भी पढ़ा सकते हैं। फिर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सब हार्डवेयर में आ जाएंगे। और सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, जैसे आपके कार्टून वगैरह दिखाते हैं, आप कार्टून मॉडल्स दिखाते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। तो ये सब जो है क्या है, आपकी टीचिंग एड्स हैं जो आपको मदद करती हैं आपकी टीचिंग के लिए, आपको पढ़ाने के लिए जो है वो आपको मदद करती हैं, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से उसको पढ़ा सकें। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चंस देती हूँ एक मैं आपको, आप मुझे आंसर्स देंगे इसका। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस लिखूंगी साथ में, क्वेश्चंस लिख देती हूँ पहले, ठीक है। इज एन ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, तो ऑप्शन है रेडियो, सेकेंड है टेप रिकॉर्डर, थर्ड है आपके पास टेलीविजन, और फोर्थ है आपका प्रोजेक्टर। तो आप मुझे बताएंगे इसमें कि क्या सही आंसर होगा, फटाफट कमेंट करो। ओके, बाकी ओके, क्या नाम है ये, देखो ऑडियो भी बोला है और वीडियो भी बोला है, ठीक है, तो देखो प्रोजेक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं यहाँ बताती हूँ आपको, ठीक है। आप, मैंने भी आपको बस एग्जांपल में बोला था उस टाइम, मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टर क्यों नहीं आएगा, हाँ नो डाउट कि वो ऑडियो भी होता है और विजुअल भी करते हैं हम उसमें, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से वो ऑडियो देना तो शुरू नहीं करता है ना, नहीं करता है, ठीक है। लेकिन टीवी कैसा है, टीवी एक ऐसा रिसोर्स है, जैसे आपने शुरू किया उसमें आपको सुनाई भी देना शुरू हो जाता है उसी टाइम, और देखना भी आपको शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्टर में जब तक आप कमांड नहीं देंगे उसको, तब तक वो ऑडियो नहीं आएगी उसमें, ठीक है। हाँ, क्लासरूम के अंदर अगर टीचर पढ़ा रहा है तब वो, अगर कमांड के साथ जब दे रहा है तब हम उसको मान सकते हैं, ऑडियो विजुअल में वो काउंट होगा। लेकिन जब आपको टीवी साथ में दिया है, टेलीविजन अगर आपको साथ में दे रखा है, तब आपका फर्स्ट ऑप्शन टीवी ही होगा, सेकंड पे प्रोजेक्टर आपका हो सकता है, ठीक है, तब सेकेंडरी हो जाएगा आपका प्रोजेक्टर। अगर आपको ऑप्शन में टेलीविजन नहीं दे रखा होता तब आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप प्रोजेक्टर को देते। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि टीचिंग के मेथड्स देख लेते हैं। बाकी जो भी आपकी जितनी भी जीएस का है ना, जो जैसे ज्योग्राफी वगैरह, उसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है उसमें। तो वो भी जो है आपकी डेली, जब भी अब 2-2 घंटे की जब भी क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। शाम को 8 बजे जो है, आज आपकी हिमाचल की क्लास नहीं होने वाली है, सर आज क्लास नहीं लेंगे, सर इमरजेंसी छुट्टी पे गए हैं, तो वो भी मैं ही लूंगी आज आपकी क्लास। मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि आप अगर टीचर हैं तो आपके पास कौन कौन सी ऐसे मेथड्स को कह सकते हैं आप, मे भी तकनीकी बोलेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे मेथड को हिंदी में, क्या कहते हैं बताओ, तरीके, ठीक है, पढ़ाने के तरीके, हाँ तरीका, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है टीचिंग कर सकते हैं। नंबर वन, पहले तो देखो, अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको
सीखनी पड़ती है। मतलब आप बीएड इसीलिए कर रहे हैं शायद, क्योंकि विदाउट बीएड भी ऐसे आप पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन आप जो मेथड्स हैं वो बीएड में जाके ही सीखते हैं, ठीक है। जो तरीके हैं पढ़ाने के वो इसीलिए आपको बीएड कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहां पे स्किल्स को सीखना है, आपको पढ़ाने के तरीकों को सीखना है, क्योंकि पढ़ा तो कोई भी सकता है, इनबिल्ड होता ही है सभी में जो है, ये इनबिल्ड होता है पढ़ाने का तरीका, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा तरीके आप सीखेंगे तो जो आपके पढ़ाने के जो तरीके ऑलरेडी है उसमें और भी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। इसीलिए जो है आप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको पहले एजुकेशन के लिए 2 साल की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप जो है उसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सके, ठीक है। चलिए हम मेथड्स देख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स रहते हैं। यहाँ पे 3 मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट है आपका टीचर्स के लिए जो रहेगा, पहले स्पेलिंग्स देखते रहना कहीं गलती ना लिखती हूँ मैं, सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। फर्स्ट है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, सेकंड है लर्नर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, थर्ड है आपका कंटेंट फोकस्ड मेथड, ठीक है। ये 3 तरह के जो है मेथड है आपके, ठीक है। इनको जो है अभी दोबारा से मैं आपको लिंक मिलेगा, 4 मिनट के बाद जो है लिंक मिलेगा, उसको हम जो है एक एक को करके जो है एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी मेथड है आपके उन सबको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। टीचर सेंटर मेथड क्या होता है, लर्न सेंटर मेथड क्या होता है, कंटेंट फोकस मेथड क्या होता है। ये तीनों मेथड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे जो है सारा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो टिका हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है वो क्या क्या चीजें रहती हैं, कि आप जो है अपनी टीचिंग को और किस तरह से इफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इफेक्टिव टीचर कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, क्लासरूम प्रैक्टिस क्या होती है, ये सब चीजें देखेंगे। और बाकी तो आपको जो है कमीशन और कमेटी से रिलेटेड शिवानी मैम करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो है सभी ने लगवाई होगी, जिसने नहीं लगवाई है उनकी मिस हो गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है। अगर उनके पास टाइम हुआ मैम के पास तभी रिकॉर्ड होगी, वरना अदरवाइज जिसने भी बनाई है और नोट्स बनाए हैं वो शेयर कर दे अपने नोट्स, ठीक है, ताकि जिसने नहीं लगवाई है वो भी उसको पढ़ सके, जो भी उन्होंने करवाए थे, चाहे आपका जो भी कमेटीज करवाई थी, कमीशन करवाए थे, मेकैले वगैरह, ठीक है, तो वो जो है शेयर कर देना आप लोग उसको। तो अभी दोबारा देती हूँ मैं आपको लिंक, क्योंकि आज जो है हम इसको खत्म कर ही देंगे। आपके 40 मार्क्स की सिर्फ फिर जो है डेली आपको 5 दिन जो है लगातार आपको मिलेंगे इसके टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड के। तो सभी ने जो है ईमानदारी से करने हैं वो, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट सीट मिले तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, 5 दिन पढ़ लो और गवर्नमेंट सीट तभी मिलेगी। चलिए मैं आपको दोबारा लिंक देती हूँ। अर्चना अब कट ऑफ कौन से बैच की, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबकी अलग अलग जाती है ना। बस आप सोच लो कि आपको 120 से ऊपर मार्क्स लेने हैं, 120 से ऊपर मार्क्स लेने, हाईएस्ट 126 जाती है साइंस में, नॉन मेडिकल मेडिकल 126 125। एडमिट कार्ड नहीं आए हैं कि अभी आपके, आ जाएंगे 1-2 दिन पहले भी आ जाते हैं, कुछ नहीं है। अभी तो शिल्पा टेस्ट जो है अभी ऐप में नहीं मिलेगा, इस बैच को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे उस बैच में अब ऐसा होगा जो भी न्यू बैच, जैसे 25 से टेट का शुरू हो रहा है, जो भी न्यू बैच स्टार्ट होंगे उनके एडमिशन डायरेक्ट ऐप के थ्रू ही होगी, वही बच्चे उसमें एनरोल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी पुराने बच्चों को उसमें एनरोल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फीस जो है वो दूसरी ऐसी आई थी, ठीक है। तो उसमें जो है अब फी भी जो है जो बच्चे कोचिंग लेंगे या जो भी लेगा वहीं पे प्रोसेस होगा सब कुछ, अब मेरे हाथ में उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
इसलिए जो है जो भी ऑफर चलेंगे वो ऐप के थ्रू ही चलेंगे, वो आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा ऑफर्स आते रहते हैं, ठीक है। वो जो भी हमारी जो भी असिस्टेंट रहते हैं उसमें, जितने भी जो उस ऐप को देख रेख कर रहे हैं, वो खुद जो है ऑफर्स जो है बनाते हैं, तो उसी में उन्हीं के थ्रू जो है सब चीजें रहती है। मेरे पास कुछ नहीं है कोई, मैं ना तो आपकी फी कम कर सकती हूँ ना ज्यादा करूंगी, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट भी नहीं होंगी क्योंकि वो डायरेक्ट उससे पे होगी, तो फिर अब जो है थोड़ा सा चेंजेस तो होने वाले हैं, लेकिन ज्यादा फीस भी नहीं है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो डिसाइड करना ही मेरा ही मेरे ही पास है, तो मैं ज्यादा फीस तो नहीं रखूंगी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आई नो वेरी वेल की स्टूडेंट लाइफ। सो